सारी पेंटिंग्स एक्चुअली अनबिलीवेबल हैं. मुझे लगा कि कोई यू नो कुछ अच्छी होंगी और शायद मुझे कुछ अच्छी लगेंगी और कुछ अच्छी नहीं लगेंगी, जैसे हमेशा एक एग्जीबिशन में होते हैं आपके कुछ कुछ फेवरेट्स होते हैं. लेकिन इसमें ईच एंड एवरी पेंटिंग वॉज अमेजिंग. आई कांट बिलीव, मतलब जितना टैलेंट मुझे पता था है इनमें उससे कई ज़्यादा निकला. इट वॉज अमेजिंग टू सी इट. लिसन, मतलब जोक्स अपार्ट, आई डोंट थिंक यू कैन जस्ट कॉल हर टीनेजर. आई जस्ट थिंक दैट शी इज सो यंग, शी इज बीन पेंटिंग फॉर सो लॉन्ग नाउ. इज जस्ट अमेजिंग, क्योंकि क्रिएटिव फील्ड में आई थिंक टैलेंट आप पैदा होते हैं उसके साथ. एंड क्लियरली ये उनका एक एग्जाम्पल है कि शी डिडंट हैव टू गेट ट्रेन्ड और शी डिडंट हैव टू वेट फॉर हर टू ग्रेजुएट. शी इज डूइंग इट फ्रॉम नाउ एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग इज जिस कॉज के लिए कर रही हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही खास है, और इसलिए मैं यहाँ हूँ आज. सबसे बड़ा जोक है मेरी पेंटिंग, अगर मैं एक चिड़िया बनाऊँ वो उसको आप हाथी कह पाएंगे कॉन्फिडेंटली, कोई शक नहीं होगा इसमें. मैं बिल्कुल भी ड्रॉ नहीं कर सकती, स्केच नहीं कर सकती, पेंट नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती. इनसे मैं क्लासेस लेने वाली हूँ अब. हिडन टैलेंट मेरे बारे में कुछ भी हिडन नहीं है, मेरे बारे में सबको सब कुछ पता है. इट वॉज़ क्वाइट बैड एक्चुअली, मैं कहना चाहती हूँ ये सच्चाई ये थी. वहाँ पे मैंने कहा चलो ड्राइंग ड्राइंग तो मुझे आती नहीं है, मैं बस लिख देती हूँ वर्ड्स, तो मैं उतने में ही अच्छी और नहीं. मतलब अगर मैं इसका जवाब दूंगी वो बहुत ही क्लीशेड आंसर होगा, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा लगता है, आपको खास लगता है, क्योंकि हम लोग एक्टर्स हैं एंड जो भी हम लोग करते हैं वो नॉर्मली कमर्शियल होता है या फिल्म से रिलेटेड होता है, उसकी हमेशा कोई वजह होती है. लेकिन जब वो वजह चैरिटी के लिए होती है या किसी कॉज को सपोर्ट करने के लिए होती है, वो उसमें फिर आपको काम नहीं लगता. आप जानते हैं कि आप इसलिए हैं क्योंकि आप एक इंसान हैं, आप किसी और के लिए फील करते हैं एंड आप चाहते हैं कि उनकी मदद हो. ये पेंटिंग्स जो खरीदी जाएंगी उनके सारे जो फंड्स हैं वो किसी एक नोबल कॉज के लिए जा रहे हैं, तो आपको हमेशा स्पेशल तो लगता है. एक्चुअली बचपन से मेरा एक ही शौक रहा है जो सबको पता है, वो है सिंगिंग. मैं तब से शोज़ कर रही हूँ, जब मैं 3 साल की थी मैंने अपना पहला स्टेज शो किया था, तो सिंगिंग इज़ द वन जो मैंने हमेशा से मेरी लाइफ में रहा है. मैं एक्चुअली ऑलरेडी